वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज से आपका बिजनेस मैथ्स आपका स्टार्ट होता है, लेकिन आज आपकी फर्स्ट क्लासेस है, तो आज का आपकी क्लास का टाइटल ही यही था, इंट्रोडक्शन। तो आज क्लास में आप पहले आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए कि सिलेबस आपका क्या है और सिलेबस को हम किस तरीके से कवर करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, और थोड़ा सा आपके ऊपर भी चीज़ें जो हैं आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स से थोड़ा सा उनका इतना अच्छा रिलेशन पहले कभी नहीं रहा है, तो उन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे और साथ में आपके फुल कोर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम आनंद कुमार है और 13 इयर्स मेरा बिजनेस मैथ्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और आज की क्लासेस में सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि ये समझते हैं कि सर हमें मैथ्स जो है थोड़ा सा कम समझ में आता है, या फिर मैथ्स हमें पीछे हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो बच्चे आप सबसे पहले बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। मैं इस बात का खासकर अपने पढ़ाने वक्त में ध्यान रखूंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा लेकर के नहीं चलूंगा कि आपके 11th 12th के अंदर आपके पास में मैथ्स थी तो आपको मैथ्स आती ही होगी अच्छे से, या फिर आपके पास में नहीं थी तो फिर मैं अब फोकस सिर्फ उन बच्चों पे करूंगा जो कि 11th 12th में बिन मैथ्स वाले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो मेरा सिलेबस है, जो मेरा टॉपिक है, उसको बिल्कुल मैं जीरो से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। आपने पीछे कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है या आपने पीछे नहीं पढ़ा है उससे कोई लिंक नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, और मैं ये मान के चलूंगा कि फर्स्ट टाइम आप बिजनेस मैथ्स मेरे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैथ्स नहीं है, मैथ्स के आगे नाम है बिजनेस मैथ्स, तो ऑब्वियसली इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारा पूरा सिलेबस आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स में ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करें और आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें एंड प्रूफ करें, ये आपका टॉपिक नहीं रहने वाला है यहाँ पर। हाँ, ये आपका आना चाहिए, ये आना चाहिए, और इसको मैं सिखाऊंगा भी आपको जीरो लेवल से बिल्कुल। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्शन इतने इतने यूनिट्स है, इतने इतने आवर्स कंज्यूम करता है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। लेकिन बिल्कुल भी आप घबराइए मत, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल जीरो से उठाता हुआ और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, इक्वेशंस बनाना आपको इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से यहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ जी बच्चे, तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप जो है यहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां पर हम अगर बात करें आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको, नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम्स में आता है। आपका लियोन्टिफ इनपुट और आउटपुट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रहती है, और क्रैमर्स रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट वाइज, तो सबसे पहले एक यूनिट के बीच में मैं आपके पास में मैट्रिक्स से, जैसे मैट्रिक्स है हमारा फर्स्ट यूनिट, तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताऊंगा साथ साथ में, जिससे कि आपको बिल्कुल प्लस करना आए, मल्टीप्लाई करना आए, आपको आपको प्रूफ करना आए, डिटरमिनेंट्स लेना आए, वो सारी बातें मैं आपको पहले बताऊंगा। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल या लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल पर हम पहुंचेंगे, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर फिर हम पहुंचेंगे। इसको समझ लेने के बाद और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर, जो पिछले 3-4 साल में क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम यूनिट के एंड करने के एंड में उसका हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप अगर अभी भी पैनिक हो रहे हैं कि सर हमारा बिजनेस मैथ्स कैसे संभलेगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चे, आपको पढ़ाते टाइम पे मैं अगर आपको 10 टॉपिक पे निशान लगा दूंगा कि ये 10 टॉपिक आप अपना तैयार कर लीजिएगा, पूरा पेपर आपका उसमें से कवर होगा, पेपर उससे बाहर नहीं होगा। लास्ट टाइम की यूट्यूब की वीडियो है पड़ी हुई अभी भी ऑन रिकॉर्ड, मैंने सिर्फ 4 टॉपिक बताए थे कि ये 4 टॉपिक कर लीजिए, वही 4 टॉपिक आपके एग्जाम्स में देखने को मिले थे लास्ट टाइम जो बिजनेस मैथ्स का एग्जाम हुआ था। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने वाली स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन, 10 ईयर, उसको हम लेकर के चलेंगे। तो आपका जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, तो इसमें कुछ चीजें आपको नहीं मिलने वाली है, एप्लीकेशन बेस्ड, क्रैमर्स रूल्स एंड लियोन्टिफ एंड आपके पास में इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, तो कैलकुलस के अंदर आपको डिफरेंशिएशन एक सिर्फ कैलकुलेशन का टॉपिक नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंशिएशन होगा, जिसको हम कैलकुलस 1 कहेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल आसान रहने वाला है।
बट इसमें हम जो है आपका मार्जिन रिवेन्यू, मार्जिन एंड कॉस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहां से आपके पेपर में सवाल जो है आपके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो भैया तभी तो इसका नाम बिजनेस मैथ्स है। आप यहाँ पर मैथ्स के अंदर भी इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है कि आपको ईडी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू, वो सिस्टम नहीं है बच्चे। आपको डिफरेंशिएशन से आपको ये चेक करना है कि इसकी इलास्टिसिटी का नेचर क्या है, तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट चलेगा। बट बिल्कुल जब आप स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको सब कुछ इजिली समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास है कॉस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक एंड क्वांटिटी एंड ऑप्टिमम ट्रेड इन टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में होने वाला है। और ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में रहने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैं कैलकुलस 2 की बात करता हूं, जिसके अंदर कि आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बट इंटीग्रेशन करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एप्लीकेशन बेस्ड इंटीग्रेशन होगा, जिसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन यहां पर आप कुछ थ्योरम भी आपको यहां पर प्रूफ करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इंटीग्रेशन, अब प्रोडक्शन फंक्शन तो आपने लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहां कैसे आ गया? यहां पर इंटीग्रेशन के थ्रू आपको जो प्रोडक्शन फंक्शंस को आपको स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू द इंटीग्रेशन, यही आपका कैलकुलेशन 2 है। तो सिलेबस बच्चे यहां पर आपके पास में पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एंड एनालाइज द कंज्यूमर सरप्लस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां से एग्जाम्स में आ सकता है। क्लियर है बच्चे? तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूंगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बहुत सारी चीजें से आपको पढ़ने को मिलेंगी, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो या टाइप्स ऑफ एनुटी हो, चाहे वो आपके पास ऑर्डिनरी हो या ड्यू हो या फिर डेफर्ड हो, तो इस तरीके की आपके पास में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीजिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में। तो ये कुछ एप्लीकेशन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू, एनिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डेप्रिसिएशन पढ़ने को आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको जो है 10-10, 12-12 साल आगे जाके वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20-22 साल आगे जाके वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टर ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा का सारा आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत एडवांस लेवल का रहने वाला है यहाँ पर। तो ये आपका फोर्थ यूनिट रहने वाला है। इसमें एनुटी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तो वो उस चीज को पर फोकस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम रहता है कि पेपर में आपके क्या आएगा, तो उस पर फोकस ज्यादा हम करेंगे और सब पे फोकस करेंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग, सर एक क्वेश्चन जिससे आना ही आना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन आना है, वो कोई भी ऑप्शनल में रहेगा आपके पास में, लेकिन आपका सिंप्लेक्स मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे ये मत सोचिएगा कि सर 5 यूनिट है, 5 में से कौन से हम 3 यूनिट पढ़े, बिल्कुल नहीं। यूनिट 1 के ऑप्शन में यूनिट 1 का ही क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 2 के ऑप्शन में यूनिट 2 का ही क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 3 के ऑप्शन में यूनिट 3 का ही क्वेश्चन रहेगा बच्चे। तो ऐसा नहीं कि आप 3 कर लेंगे तो भी आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपने एक यूनिट छोड़ा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। क्लियर है? कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा रहती है। इसलिए यहां पर आप सोच के बैठेंगे कि 2 यूनिट कर करके पेपर में चले जाएंगे तो 2 सवाल करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दोनों के दोनों का आप आंसर एग्जाम्स में बिल्कुल मैच हो जाएगा, तो वहां पर आपके लिए रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए 5 यूनिट करना पड़ेगा, पूरा पेपर आपको 100% वहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपके सामने इस बात को रिपीट करता हूं, बच्चे देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग खुद इस समय कमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग भी उस कमेंट्स को देख पा रहे होंगे। कमेंट्स बच्चे यहाँ पर ये है कि सर हम जो है मैथ्स हमारी वीक है, हम मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है। और कमेंट्स ये भी देखने को मिल रहा है कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। जेके ठकराल बुक आप फॉलो करेंगे, ठीक है। 10 ईयर अभी मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास में कुछ 10 ईयर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास में है अवेलेबल, तो मैं उसके थ्रू तो आपको पढ़ा सकता हूं। तो मुझे वेट करने की नीड नहीं है कि मार्केट में 10 ईयर अब जब आएगा तब मैं 10 ईयर डिस्कस करूंगा। तो मैं तो साथ साथ एक यूनिट मेरा खत्म होगा उसके एंड में मैं 10 ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और 10 ईयर में ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा 10 साल के क्वेश्चन डिस्कस करने की नीड नहीं है, सिर्फ 4 साल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पेपर की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम उसमें से रहती है। और जो बच्चे कह रहे हैं हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत रखिए, बस 100 तक गिनती और आप जो है 10-20 तक पढ़े कुछ, बस इतना बेसिक से अपनी नीड्स फुलफिल कर लीजिए। इसके आगे मुझे कोई ज्यादा खास नीड भी नहीं है आपकी मैथ्स की, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बुक कौन सी लेनी है? जेके ठकराल बुक को आप फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है।
अदरवाइज सिर्फ 10 ईयर भी अगर आप फॉलो करते हैं तो सफिशेंट है, 10 ईयर में सफिशेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप पे 10 ईयर है या पीछे आपको पुराना कोई सेकंड हैंड 10 ईयर मिल जाए तो आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप वो भी सफिशेंट रहने वाला है। बट अगर आप एक एक सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जेके ठकराल बुक आप जो है ले सकते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट किसी बच्चे के? तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? जिनको मैथ्स में डर लगता है, बिल्कुल जब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे के साथ में आप हैंडल करूंगा तो आप ऑलरेडी उसमें कंफर्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो बताऊंगा पेपर में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहेगी उसकी। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, यूनिट वाइज टाइप वाइज सिस्टमेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे और यूनिट को कवर करने के बाद 10 ईयर के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। तो कुछ बच्चों की क्वारी थी कि क्या सब 10 ईयर भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको स्कूल में मार्क्स, आपको आपके कॉलेज में मार्क्स लेकर के आने हैं, तो विदाउट 10 ईयर के प्रैक्टिस के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल करेंगे, इसी के अंदर करेंगे हम, ठीक है? तो आज की क्लासेस में मैंने आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है, आपको नोटिफिकेशन आएंगे क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट है और आपका जो है क्लासेस के साथ साथ में आपका कौन सा यूनिट स्टार्ट होगा, आपके ये लाइव क्लासेस में आपके पास में लग जाएगा। अभी 1-2 दिन का मैंने इसलिए होल्ड किया हुआ है क्लासेस का, क्योंकि बच्चों के अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, बच्चे तेजी से एनरोल हो रहे हैं। क्योंकि भैया देखिएगा, मैथ्स के अंदर सिस्टम तो सीधा सा है, सीक्वेंस में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तो बीच में से फिर आप पहले से पैनिक है और पैनिक हो जाओगे, तो उससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कंफर्ट में रहेंगे। इसलिए 1-2 दिन क्लासेस रोक करके लूंगा ताकि सभी बच्चे कंफर्ट में आए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपका बच्चे? जो एग्जाम है आपके एग्जाम, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास में 10 नवंबर के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपके नवंबर के दिसंबर में एग्जाम्स आपके जाएंगे और 10 ईयर साथ साथ हम करेंगे तो फिर हमें बाद में किसी प्रैक्टिस की नीड नहीं रहेगी। और दूसरी बात है कि अगर आपके बीच में कोई इंटरनल्स आ जाए, कोई एग्जाम्स आ जाए, तो हमारे पास में ऑलरेडी जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो प्रोवाइड कर देंगे। लाइक मैंने कोई चैप्टर चालू कर रखा है बट कोई यूनिट स्टार्ट करा और कॉलेज, क्योंकि देखिएगा सबका एक ही कॉलेज नहीं है, हर किसी के डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट यूनिट स्टार्ट है, तो एट अ टाइम मैं तो 5 यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई एक यूनिट स्टार्ट करूंगा तो बाकी स्टूडेंट के इंटरनल्स में जो है वो चीजें फॉलो नहीं होती हैं वो यूनिट, तो क्या करेगा? तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जब तक इंटरनल्स के लिए आप उसको देख करके अपने इंटरनल्स को हैंडल कर लीजिए, बाकी मैं ऑफलाइन, बाकी मैं तो आपको लाइव आकर के सब कुछ समझाऊंगा ही। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा एप्लीकेशन पे, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वारी है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हर्ष शर्मा जी, आपको नोटिफिकेशन में आपको अपडेट मिल जाएगा। ऑल यूनिट्स जो है, जितने भी यूनिट्स आपके होंगे वो इक्वल वेटेज रखेंगे, कोई यूनिट छोटा है कोई यूनिट बड़ा नहीं रहने वाला है। और ये फिक्स भी नहीं रहता है बच्चे यूनिट के अंदर, कई बार आपको बेसिकली कैलकुलस से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि कैलकुलस के 2 यूनिट्स हैं, लेकिन ये फिक्स भी नहीं रहता है कि आपके पास में कि इसके आपको इतने इतने मार्क्स का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कई बार मैथमेटिक्स और फाइनेंस के आपके पास में 2 सवाल आ जाते हैं, वहां से कैलकुलस से 1 सवाल आ जाता है, तो वेरी हो सकता है एग्जाम्स के अंदर, वेरी हो सकता है। जेके ठकराल बुक आपको फॉलो करनी है। हाँ जी, सारे सारे के सारे टॉपिक लाइव क्लासेस में कवर होगा आपका। लाइव क्लासेस होने के बाद वो आपके फोल्डर में आपके सही तरीके से कंटेंट मैनेज होकर के टाइटल वाइज टॉपिक वाइज वो आपके कंटेंट में हम वो आपको अवेलेबल भी होता रहेगा, ठीक है? प्लस में जो पढ़ाऊंगा वो नोट्स भी, PDF भी और वीडियोज भी, सब कुछ। कैट एग्जाम में बच्चे क्वांट होता है, क्वांट एक डिफरेंट है और आपका बिजनेस मैथ्स एक डिफरेंट है, तो कैट की बात मैं बीच में करूंगा, कैट के बारे में, कैट को कैसे करना है, अभी फिलहाल मैं बिजनेस मैथ्स की बात कर रहा हूं। हाँ जी, ये बुक्स अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, और टाइम आपका यही रहने वाला है, टाइम में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है आपका, आपका टाइम जो है TTS।
6 PM परफेक्ट टाइम है आपकी क्लासेस का, ना जल्दी है ना लेट है। तो TTS 6 PM ये बिजनेस मैथ्स की आपकी क्लासेस की टाइम रहने वाली है। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।